हर तहसील मुख्यालय और ब्लॉक विकास खंड मुख्यालय को टू लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। ये सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। और वही एयर कनेक्टिविटी को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेट राज्य है और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। 9 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं जो 77 गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 के एमओयू हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हो चुका है, जिन्हें शीघ्र हम संचालित करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को एक नई गति दी है और उसी विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतरीन यहां पर मैन पावर, हमारे पास देश का सबसे अच्छा युवा हमारे पास है, सबसे ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है। उस युवा के स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना है, स्थानीय नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था में यह कार्य यहां पर प्रारंभ किया और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को सदन के सम्मुख लेके आना पड़ा है, जो 33,769,55,00,000 रुपए का एक कुल अनुपूरक बजट है। महोदय, बजट हमारा जो मूल बजट आया था, जो उसे मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह अब मिलाकर मूल बजट हम लोग लेकर आए थे, वह आया था 6,15,000 करोड़ रुपए का आया था और अब ये मिलाकर के लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए का बजट हमारा पूरा 22-23 का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के आकार के अनुरूप ये बजट बनने जा रहा है। इसमें जिन चीजों पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है और वह है कि एक तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रमुख शर्तें हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण गति दे सकता है इसमें एक अर्बनाइजेशन, उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। हमने प्रदेश के अंदर नए नगर निकायों के गठन भी किए, नए शहरों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं, कुछ नए मॉडल इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं और नए शहरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग नई टाउनशिप स्थापित की जा सके इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए हैं, जो हम लोग इन नए शहरों के विकास में कार्य कर सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी गति देने के लिए निजी पार्क स्थापित किए जा सके, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा सके। एमएसएमई की उत्तर प्रदेश की पॉलिसी देश की बेहतरीन पॉलिसीज में से एक है, जिसमें से हम लोगों ने 1,000 दिन तक किसी भी निवेशक को इस बात की छूट दी है, 1,000 दिन तक वो अपना निवेश करें, अपने उद्योग को संचालित करें और बाकी औपचारिकताओं को 1,000 दिन के अंदर वो अपना पूरा कर लें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था और उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने उत्तरवत किया है। अब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में निजी पार्क की स्थापना के लिए और इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना के लिए यहां पर हमने व्यवस्था दी है। एक्सप्रेस हाईवे हमारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी के माध्यम ना बने बल्कि इसका हम बेहतरीन उपयोग कर सकें। इन एक्सप्रेस हाईवे पर हम जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर सकें, इस दृष्टि से भी बजट में 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है और ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको विकसित कर सकेंगे यह व्यवस्था। दूसरा, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष ही इस पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान की जो घोषणा की है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। खासतौर पर अब तक होता क्या था, कोई प्रोजेक्ट बनता था और बिना किसी प्लानिंग के वह कभी कभी अटक जाता था, एनओसी में बहुत समस्या होती थी। अब किसी भी प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के पहले आप पीएम गतिशक्ति नेशनल जो प्लान बना है उस प्लान के अंतर्गत उसको आप डालेंगे, अपने आप ही आपको पता लग जाए कि इसका अलाइनमेंट की मार्ग में कोई बैरियर तो नहीं है। बैरियर है तो इसको हटाने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए,
और उस पूरी प्रक्रिया को ऑटो मोड पर, उस पूरे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बार होता क्या था, जैसे हम लोग जाते हैं बलिया ही जाते हैं, तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलियापुर बलिया जाते हैं, तो भागलपुर का एक ब्रिज है, आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बंद होता है, क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्रवाई होती है। और मरम्मत कहां है, अक्सर होता था, अक्सर हम लोग देखते थे। प्लानिंग के समय कमी, अलाइटमेंट वहां पर या तो सॉयल टेस्ट में या फिर उसके अलाइटमेंट में कहीं ना कहीं उस समय कोई गलती थी, जिसको समय रहते उसका समाधान नहीं हो पाया। कारण है जिंदगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पर पीएम गति शक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से ही इस प्रकार के अलाइटमेंट को तय करने के लिए पूरा ऑप्शन होंगे कि आपको कहां पर इस परियोजना को लागू करना है, जिससे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। और इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और साथ साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को लेकर के भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उससे जुड़े हुए इंसेंटिव, उससे जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहां पर दी है। अन्नदाता किसानों के उसको ध्यान में रखते हुए भी पहली बार हुआ आजादी के बाद, जब अन्नदाता किसानों के निजी नलकूप में जो हम लोगों ने टैरिफ में 50% की छूट दी थी, उसके कारण पावर कॉर्पोरेशन को जो लॉस हुआ होगा उसके लिए पावर कॉर्पोरेशन को 1,250 करोड़ रुपए की राशि इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन चीनी मिलों के विस्तारीकरण की कार्रवाई को, और वहां पर नए जो संयंत्र लगने हैं इन सब के लिए डिस्टिलरी वगैरह की स्थापना होनी है, इसके लिए भी कार्रवाई करने की इस पर हम लोगों ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए खासतौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवा कार्य वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम तक हम उन्हें सीमित न रखें, बल्कि स्पोर्ट्स भी और अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जो अपना विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। महोदय, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था को देने में हम सफल तब हुए जब हम लोगों ने पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, पुलिस रिफॉर्म किए, पुलिस का आधुनिकीकरण किया, पुलिस विभाग में हम लोगों ने आधुनिकीकरण की दिशा में तमाम प्रयास प्रारंभ किए, ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई, ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाए गए, 1,64,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। और उत्तर प्रदेश 7 जनपद ऐसे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं, 4 में पहले से था, 3 नए पुलिस कमिश्नरेट की घोषणा अभी हाल ही में प्रदेश के अंदर हुई है, उनके लिए उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा। प्रदेश के अंदर हम लोग साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सके, हर रेंज स्तर पर साइबर थाने की स्थापना। आज के समय में अपराध की प्रकृति की बदलती भी प्रकृति को अपराध की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए FSL लैब्स की स्थापना, और उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल लखनऊ में हम लोगों ने पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, बल्कि हमारा प्रयास है कि नए सत्र में इस इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो, डिप्लोमा और डिग्री के पाठ्यक्रम प्रारंभ हो, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवान उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में जो मैन पावर की कमी है या देश के अंदर कमी है उसको भी दूर कर सके, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था इसमें भी इसमें इस व्यवस्था को इसके साथ जोड़ा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम सब जानते हैं आज
उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में प्रयास बेहतरीन तरीके से विगत 5 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं। ये 5 वर्ष के दौरान जो कार्य हुए हैं, भारत सरकार ने 10 सिटी उत्तर प्रदेश की ऐसी थी जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में प्रदेश के अंदर चयन किया गया था। शेष 7 हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार ने अपने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उन्हें लिया। इसमें बेहतरीन कार्य हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की सिटी और उत्तर प्रदेश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो हम लोगों ने कार्य प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर किए हैं, वह देश के अंदर उन सभी कार्यों की सराहना होती है। खासतौर पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश के शहर गंदे दिखते थे, जहां देखो कूड़े का ढेर दिखता था, सड़कों पे सीवर और नालियों का पानी बहता था, अस्त व्यस्त जैसी व्यवस्था थी। आज उसको सुधारने की कार्रवाई हुई स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को हर स्मार्ट सिटी के अंदर लागू करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। हम लोग 2019 के प्रयागराज कुंभ को करने में सफल हुए, उनमें से एक कारण था ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसके माध्यम से कुंभ की एक एक गतिविधि पर हम एक जगह से नजर रख सकते थे और फिर उसके अनुरूप वहां पर कदम उठा सकते थे। और आज ये कार्य हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रयागराज के साथ, प्रयागराज में एक मॉडल हमारा सफल हुआ तो प्रयागराज के बाद हम लोगों ने अपने सभी उन सभी 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर न केवल ITMS को बनाया है बल्कि अब ITMS को सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हो रही है। हमें आश्चर्य होता था 2016 में निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने उस समय सेफ सिटी की परियोजना को तत्काल लागू करने के लिए कहा था, लेकिन आश्चर्य था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 तक कोई भी सेफ सिटी नहीं बन पाई थी, एक भी सिटी को सेफ सिटी में नहीं बदला गया था। आज हम 18 सिटी ऐसी हैं हमारी, गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो 17 नगर निगम है, वह गाजियाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, इन सबको, इन सभी 18 को हम लोग न केवल ITMS के साथ जोड़ने के सामने तेजी के साथ आगे बढ़े, बहुत सारी जगह कार्य पूरा हो चुका है, बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और न केवल स्मार्ट सिटी मिशन और गृह विभाग मिलकर उसको सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे 18 सिटी देश के अंदर उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसके अगले कुछ समय के दौरान 18 सिटी ऐसी होंगी जो सेफ सिटी अपने आप को घोषित कर सकती है। और सेफ सिटी के अंदर न केवल अपराध कम होगा बल्कि ट्रैफिक की ऑटो मोड पर पूरी व्यवस्था चलती हुई दिखाई देगी और हर व्यक्ति उस व्यवस्था से संतुष्ट होगा। इस कार्रवाई को जिन जहां पे हम लोगों ने लागू किया है उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं, उसके लिए भी व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने की है। और साथ साथ इसमें यह भारत के लिए गौरव की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और साथ साथ अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 देशों का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। भारत अगले वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 के देशों का नेतृत्व करेगा। G20 के वे बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, भारत अगले एक वर्ष तक उसका नेतृत्व करेगा। यह गौरव की बात है। G20 के कुछ समिट उत्तर प्रदेश के अंदर भी आयोजित होने हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ की है, उसके लिए भी एक मत यहां पर दिया गया है जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका, देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जिस एक इवेंट ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, वह था प्रयागराज कुंभ 2019। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा
के माध्यम से भव्य और दिव्य कुंभ का जो मैसेज प्रयागराज कुंभ ने दिया था, देश के अंदर से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे, जो आया अभिभूत होके गया, अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन करके स्नान करके जो आया, वहां की व्यवस्था देख करके अभिभूत था, दिव्य और भव्य कुंभ के साथ जुड़ करके वह अपने आप में प्रधानमंत्री जी के प्रति और राज्य सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करके गया। यह हमारे लिए गौरव की बात थी और 2025 में हमारी सरकार को फिर से भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है, अब से हमारी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और दिव्य और भव्य कुंभ फिर से उत्तर प्रदेश का दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनेगी, उसको लेकर के अभी से हम प्रयास भारत सरकार के साथ मिलकर के इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, मेडिकल एजुकेशन में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छी प्रगति की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां 1947 से 2017 के बीच में राज्य के अंदर केवल 12 से 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, आज हम लोग एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, पिछले साढ़े पांच वर्ष के दौरान 35 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण राज्य के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग करने में सफल हुए हैं और शेष को पीपीपी मोड पर उतारने की कार्रवाई हमारी चल रही है। मात्र आज के दिन पर 6 जनपद अब ऐसे बच जाएंगे जिन पर हम इस कार्रवाई को उसमें हम लोग अपनी पॉलिसी को और संशोधन करने जा रहे हैं, लेकिन हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वहां पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ साथ कोविड कालखंड में हम लोगों ने किया था वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से, हमारे पास उस समय उतने एक्सपर्ट नहीं थे, हम लोगों ने उस समय ट्रेनिंग की कार्रवाई मास्टर ट्रेनर लखनऊ में हम लोग SCPGI KGMU या RML में बनाते थे, फिर इन्हें जनपद में जोड़ते थे, जनपद में ट्रेनिंग देते थे, फिर यहां के एक्सपर्ट के साथ हम वर्चुअली उनकी बैठक करवाते थे। ये जितने भी हमने RT-PCR के लैब स्थापित किए उनके टेक्नीशियंस को उनके एक्सपर्ट को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई लगातार हमारी होती थी, प्रतिदिन इसके बारे में एक वर्चुअल एक संवाद उनका चलता था। अब हम लोगों ने वर्चुअल आईसीयू उस समय भी हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि जब 2017 में हम लोग आए थे और कोविड 2020 में जब आया था तब प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जहां पर आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी वेंटिलेटर नहीं था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आईसीयू की सुविधा है, वेंटिलेटर मौजूद है, वहां पर चिकित्सक तैनात किए गए हैं, जहां पे कमी है उसको वहां पे तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है, एक्सपर्ट वहां पे तैनात करने की कार्रवाई हो रही है। अब हम उन्हें PGI KGMU जैसे संस्थानों के साथ जोड़ करके एक वर्चुअल आईसीयू की सुविधा फिर से हम लोग हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी वहां पर प्रारंभ करने की कार्रवाई को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, हर एक PSC को हम उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो यह हम लोगों ने हेल्थ ATM के लिए भी व्यवस्था की है, साथ साथ प्रदेश के अंदर तमाम अन्य उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुल सके इसके लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर परिवार कल्याण विभाग से जुड़े हुए मामले हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रदेश ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत या भारत सरकार ने जुड़ी हुई तमाम अन्य चीजों में बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर में आपने देखा होगा उसको काफी हद तक नियंत्रित करने और उसको नेशनल एवरेज के नजदीक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बच्चों का 100% टीकाकरण हो इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रगति की है और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये प्रदेश के अंदर तमाम अन्य जो कार्यक्रम प्रदेश ने इस दौरान किए हैं इसमें खास तौर पर एक जो महत्वपूर्ण कार्य था उसमें था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रगति। नीति आयोग ने 2018 में देश के अंदर 112 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिन्होंने
विकास की गति जिनकी पीछे रह गई थी। पूरे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, ऐसे वित्तीय समावेशन जैसे 6 पैरामीटर तय किए थे जिसमें ये सभी राज्य, ये सभी जनपद, 112 जनपद पूरे देश भर के थे जो पिछड़े रह गए थे। इनमें से 8 जनपद यूपी के थे। यूपी के जो जनपद थे उनमें से सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये 4 जनपद नेपाल के से सटे हुए जनपद हैं। चंदौली, सोनभद्र, यह बिहार से की सीमा से जुड़े हुए जनपद हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश से की सीमा से जुड़ा हुआ है और फतेहपुर, ये 8 जनपद थे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत पीछे थी। यानी सभी 8 जनपद जो 112 थे वह सभी 100 पायदान से ऊपरी इनकी रैंकिंग थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद पिछले चार पांच वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ है, नीति आयोग का मार्गदर्शन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की समय समय पर गाइडेंस मिलती रही, आज परिणाम है कि देश के जब इनकी रैंकिंग अभी हाल ही में 21-22 की आई थी तो देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने बेहतरीन प्रगति की है उन टॉप 10 में से 5 यूपी के थे। टॉप 20, 112 में टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद टॉप 20 में थे। और उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने उन विकास खंडों को चिन्हित किया है जो इन 6 पैरामीटर पर, नीति आयोग के इन 6 पैरामीटर पर अभी भी पिछड़े हैं। उन 100 विकास खंडों को विकास की गति के साथ हम जोड़ सकें, एस्पिरेशनल विकास खंडों को चिन्हित करने और वहां पर फिर हम विकास को एक गति दे सकें, इस पर एक कार्य प्रारंभ हुआ है और उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है जिसमें हम लोगों ने हर एक विकास खंड में एक एक सीएम फेलोशिप भी वहां पर तैयार किया है जो वहां पर जाकर के कार्य कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक कार्य को वहां पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के फील्ड में क्या कुछ होना है, इन्हीं सब क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य वहां पे प्रारंभ हुए हैं तो उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की गई है। सुशासन की महत्वपूर्ण शर्त समय पे न्याय भी होता है और त्वरित न्याय भी होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 जनपद ऐसे थे जिनके पास अब तक अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं थी, वे किराए के भवन में जैसे तैसे चल रहे थे। उन 10 जनपदों में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को हम इंटीग्रेटेड भवन बनाकर के उसी के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड में हम लोगों ने अलग से की है जिससे उन सभी 10 जनपदों में एक साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हो सके और तुरंत और सरल और सुलभ न्याय की व्यवस्था वहां पर लोगों को दे सके, आम जन को दे सके, इसके लिए भी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। परिवहन निगम ने बेहतरीन काम किया था कोविड लॉकडाउन के दौरान, उन 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य, उनके घरों तक पहुंचाने में, न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि 60 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों के भी थे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के भी थे, उन सबको हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा पे और जहां पे राज्य सरकारें हमसे अनुरोध करती थी वहां पर हम प्रयास करते थे कि उत्तर प्रदेश की सीमा के नजदीक जो राज्य से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण केंद्र होता था वहां तक पहुंचाने का कार्य करते थे क्योंकि एक मानवता की सेवा थी। और परिवहन निगम ने उस समय बेहतरीन कार्य किया था, आज परिवहन निगम इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है तो उस दिशा में 1000 नई बसें वहां खरीदी जा सके इसके लिए उन्हें हम लोग ये व्यवस्था दे रहे हैं और ये कार्य यहां पर एक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश अभी भारत सरकार ने जो अपनी एक नई पॉलिसी लाई है कि पुराने जो वाहन हैं उन्हें स्क्रैप करने,
उसकी पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर लाई जा चुकी है। और मैं चाहूंगा कि जितने पुराने ऐसे वाहन हैं जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, जो अब पॉल्यूशन का काम कर रहे हैं और जो सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकते हैं या खतरा पैदा करते हैं, उन सभी को हमें स्क्रैप करवाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मेरी आप सभी पूरे सदन से भी अपील होगी कि इस दिशा में अगर हम प्रयास कर सकेंगे तो एक अच्छा प्रयास होगा, क्योंकि सड़क जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये सड़क पर होने वाली जो मौतें हैं ये अत्यंत दुखद मौतें हैं और बहुत खराब स्थिति है। कोविड कालखंड में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम देखते हैं 2023 से यानी 2020 से लेकर के 2022 तक, अब तक प्रदेश में इतनी बड़ी प्रदेश यानी 25 करोड़ की आबादी में 23,631 मौतें कोविड-19 से हुई, लेकिन ये पिछले 2.5 वर्ष के अंदर है। लेकिन जब सड़क रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत की हम बात करते हैं तो इसकी संख्या अकेले एक वर्ष में 20 से लेकर 22,000 पहुंचती है। यह बहुत दुखद है और इस दुखद सच्चाई को हम सबको भी स्वीकार करना होगा। इसका कारण है पुराने वाहन, रोड इंजीनियरिंग, इसका कारण है ओवर स्पीडिंग, इसका कारण है और भी जो कुछ लापरवाही, सीट बेल्ट लगा पहन करके न चलना, हेलमेट लगा के न चलना, ये बहुत सारे कारण हैं जिनको थोड़ी भी जागरूकता पैदा करने में हम सब भी अपनी भूमिका का और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। परिवहन निगम को 1,000 नई बसेज उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तात्कालिक रूप से की जा रही है। इसको अभी कुंभ के लिए अलग से भी हम वाहन की व्यवस्था उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक प्रदूषण मुक्त व्यवस्था हम दे सके, शहरीकरण की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी में केवल ITMS और स्मार्ट रोड ही नहीं बल्कि स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हो। उत्तर प्रदेश आज 5 सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन कर रहा है और आगरा में हमारा तेजी के साथ एक कार्य गतिमान है। वाराणसी के अंदर रोपवे की कार्रवाई को एक स्तर पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेज की व्यवस्था भी हर सिटी के अंदर चले। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है जिन सिटी में इसको संचालित किया जा रहा है, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन में जिन लोगों ने निवेश किया है, ऐसे वाहन का मैन्युफैक्चरिंग यहां पे हो, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन बने, इसके लिए अन्य फैसिलिटी यहां पे उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। ICDS और आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में, उनके अपग्रेडेशन के बारे में भी यहां पर सरकार ने इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में इसकी व्यवस्था की है। सड़कों से जुड़े हुए और पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए कार्यों को भी इसके साथ जोड़ा गया है और प्रदेश ने साथ साथ इसमें लखनऊ को प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ लखनऊ में कुछ अच्छे कार्य और हो सके। एक नाइट सफारी की घोषणा उत्तर प्रदेश के अंदर की थी, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोग इस बजट में करने जा रहे हैं कि लखनऊ में कुकरेल में नाइट सफारी हो सके और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभर सके। इसके लिए नाइट सफारी के साथ साथ यहां पर अन्य सुविधाओं को भी हम आगे बढ़ा सकेंगे, इस पर तेजी के साथ कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान हमारे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके, इसके लिए उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलना, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोगों ने MOU किया है, इस पर भी हम लोग लगभग एक बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। 273 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस मद में उपलब्ध कराई जा रही है जिससे स्किल डेवलपमेंट के बेहतरीन सेंटर हमारे ITI बन सकें, आज के दौर के ट्रेड उस पर हम दे सकें, लोगों को इसके साथ जोड़ सकें, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़ सकें, इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में अच्छी शिक्षा उन्हें दी जा सकती है, तकनीक का उपयोग उसमें कैसे किया जा सकता है, इसके माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ माध्यमिक में नकल विहीन परीक्षा संपन्न करना इस सरकार की
सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं पे हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। और इस दृष्टि से राज्य सरकार ने इस व्यवस्था, इसके लिए सर्विलांस और ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, परीक्षा केंद्रों के सर्विलांस और उसके निगरानी तथा नकल विहीन परीक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था के लिए भी हम लोग यहां पर व्यवस्था करने जा रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों के साथ ही कोविड कालखंड के दौरान जो बच्चे निराशित हुए थे, उन बच्चों के लिए हर कमिश्नरी में हम एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि मार्च अप्रैल में सभी 18 हमारे मार्च से जून के बीच में सभी 18 विद्यालय संचालित हों। ये सभी आवासीय विद्यालय हैं। इन सभी आवासीय विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधा से युक्त करने के साथ ही वहां पे उनकी लॉजिंग, उनकी फूडिंग और अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और हर प्रकार की गतिविधियों के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम करने जा रहे हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की जो आवश्यकता पड़ी है उसके लिए व्यवस्था हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं के लिए भी इसमें व्यवस्था की जा रही है। जो अपने दिव्यांगजन है, खासतौर पर दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है, शारीरिक रूप से दिव्यांगजन है, इनके लिए भी सरकार ने पहले ही इनकी पेंशन की राशि 2017 में आए थे 300 रुपए इनको मासिक पेंशन मिलती थी, अब हम लोगों ने इनकी पेंशन की राशि को 12,000 रुपए सालाना किया है, यानी 1,000 रुपए हर महीने इन दिव्यांगजनों को ये सुविधा प्राप्त होगी। कुष्ठ रोगियों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है और यह कार्य यहां पर किया जा रहा है। साथ साथ महोदय, इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो अन्य प्रावधान किए गए हैं, खासतौर पर मां विंध्यवासिनी का धाम, वहां पर एक बेहतरीन कॉरिडोर को, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना हुई, तो काशी विश्वनाथ धाम में आपने देखा होगा पहले वर्ष में, पूरे वर्ष भर में लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु वहां आ पाते थे। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद इस वर्ष सावन के महीने में, 1 महीने में ही 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी में आया था। जब कोई पर्यटक या टूरिस्ट आता है कहीं भी किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर, तो अपने साथ ढेर सारे रोजगार का सृजन करता है। गाइड के लिए कार्य मिलता है, टैक्सी ड्राइवर के लिए कार्य मिलता है, होटल और रेस्टोरेंट में कार्य मिलता है, आसपास के मार्केट में भी एक बूम आती है, हर एक व्यक्ति जुड़ता है, एक इकोसिस्टम बनता है अपने आप में। और वह वहां पर काशी में देखने को मिला है। हमारे पास इस प्रकार के स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे रिच है, सबसे धनी है, हम इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ है, अयोध्या है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद जो स्थिति आने वाली है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का है, मथुरा वृंदावन के विकास की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, अभी मैं अयोध्या गया था, 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, डबल इंजन की सरकार अकेले अयोध्या के अंदर वर्तमान के वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रही है। लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मथुरा वृंदावन बरसाना और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार खर्च कर रही है। ऐसे ही काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, अन्य सभी जगहों के लिए कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और काशी और प्रयागराज के बीच में मां विंध्यवासिनी का धाम एक पवित्र शक्तिपीठ के रूप में है और वहां पे मां विंध्यवासिनी धाम में जो त्रिकोण है, जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, जिसमें मां विंध्यवासिनी मंदिर है, मां अष्टभुजा मंदिर है, मां काली खो मंदिर, इसके परिक्रमा पथ और वहां पर अन्य जन सुविधाओं के विकास के लिए भी धनराशि की व्यवस्था के साथ ही वहां के व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाया जा सके। और महोदय, लखनऊ से सटे हुए नेमी सारण्य, भारत का पूरा वैदिक ज्ञान की धरोहर को जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था, उसको एक लिपिबद्ध किया था, वो नेमी सारण्य है। नेमी सारण्य उसका महात्म, लेकिन उसकी जितनी उपेक्षा हुई, वहां पर
इस वैदिक ज्ञान की परंपरा को हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए वहां पर राज्य सरकार के स्तर पर अब एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है, एक वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना कर सकें और इस पर हम व्यापक शोध को आगे बढ़ा सकें, और उसके लिए पर्यटन विकास की भी एक बड़ी योजना को हम राज्य सरकार के स्तर पर भी और भारत सरकार का स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भी नियमित सारण्य के व्यवस्थित विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम यानी उसको आगे बढ़ा चुके हैं, और बहुत शीघ्र लखनऊ से नियमित सारण्य के बीच में हम लोग हेलीकॉप्टर की सुविधा भी देने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से वहां जा सके। हेलीपैड की व्यवस्था, हेलीपोर्ट की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई को वहां पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई नियमित सारण्य की दृष्टि से भी हम लोग करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश के अंदर जो अन्य कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बहुत धनी है कि यहां पे कलाकारों की भी एक बहुत अच्छी टीम है, एक विरासत है। इसमें वाराणसी, लखनऊ, किराना, ये बहुत सारे ऐसे घराने थे जिन लोगों ने कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक पहचान दिलाई। अलग अलग जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, लेकिन एक हर एक जगह एक विधा को लेकर के लोग चले थे। लेकिन आजमगढ़ में हरिहरपुर एक ऐसी जगह है जहां पर कला की तीनों प्रकार की विधा, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों एक ही गांव में लोग, वहां के स्थानीय कलाकारों ने, जिसने देश को बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दिए, शास्त्रीय संगीत में जिन्होंने भारत के शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मान्यता दिलाई, उस प्रकार के कलाकारों की भूमि हरिहरपुर, हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार ने धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है। और साथ साथ प्रयागराज कुंभ की बात होगी तो प्रयागराज कुंभ के साथ नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के साथ भी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। गंगा अविरल हो, निर्मल हो, जो शेष एसटीपी बची हुई है उनको समय से पूरा करना, 25 के पहले पहले गंगा की धारा को एकदम निर्मल और अविरल बनाना, जो भी श्रद्धालु आए वह प्रयागराज कुंभ में आकर के अभिभूत हो जाए, यह हम सबका न केवल एक शासकीय दायित्व है बल्कि एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि कोई भी श्रद्धालु आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा अतिथि बनकर के आएगा, उसका सम्मान करना, अतिथि देवो भव के इस पवित्र भाव के साथ उसको सम्मान देना और उनकी भावनाओं के अनुरूप अपने केंद्रों को, धार्मिक केंद्रों को उस रूप में प्रस्तुत करना, इस कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था इसमें की है। और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल की योजना युद्ध स्तर पर चल रही है और इस कार्यक्रम को भी गति देने के लिए भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी देने की व्यवस्था के लिए भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में ये व्यवस्था की गई है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा यह उन सभी योजनाओं को जो मूल बजट में वंचित रह गए थे या किन्हीं कारणों से उनको वहां स्थान नहीं मिल पाया था, वह यहां पर करने का प्रयास हुआ है। महोदय, मैं आज के इस अवसर पर केवल अंत में इस माननीय सदन से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें अपने विकास, लोक कल्याण के विजन को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से इन योजनाओं को आगे बढ़ाने पर विश्वास भी रखती है, समाज के हर तबके को जोड़ने की, और इसलिए योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, योजनाओं का लाभ भी सबको, और पूरी ईमानदारी के साथ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब देख करके शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया हो। किसी भी फील्ड में हम जाकर के देखेंगे तो उन कार्यक्रमों को वहां उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और इसके बारे में
हम लोग हमेशा उन सभी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम सबका दायित्व तो बनता है कम से कम अपनी विधानसभा के लिए, शासन ने जो 25 सेक्टर चिन्हित किए हैं उस 25 सेक्टर में हम निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और बहुत अच्छा इसमें आपके स्वयं की छवि भी इसमें बनेगी और आपको भी इस 25 सेक्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे, जिसमें हम लोगों ने डिफेंस बाय एरोस्पेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण नीति, नागरिक उड्डयन की नीति, एमआरओ नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमारी पॉलिसी है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति, फार्मा की नीति, आईटी, डाटा सेंटर, सौर ऊर्जा, कृषि, एक्सपोर्ट की, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, बायो एनर्जी, हैंडलूम और वस्त्र नीति, पर्यटन नीति, हमारी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पॉलिसी है, फिल्म नीति है, एमएसएमई की नीति है, यानी इन सभी को लेकर के अगर आप देखेंगे, औद्योगिक विकास और रोजगार से संबंधित नीति, ये 25 अलग अलग सेक्टर से जब जुड़ी हुई पॉलिसी के अंतर्गत एक पर्याप्त लैंड बैंक बना करके हम लोग निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया इस निवेश की तरफ देख रही है और दुनिया यहां पे निवेश करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। हमारे लिए हर एक निवेशक आदरणीय है, सम्मानीय है और अपने हर एक इन्वेस्टर पार्टनर को यहां पे सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा देना ये हमारा दायित्व है, हम उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। लेकिन हमारे लिए